हरे कृष्णा। सात्विक रसोई में मैं डॉक्टर वंदना सोनार आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कुछ मीठा बनाने जा रहे हैं जो कृष्णा के लिए अति प्रिय है। वो है गोल गोल राउंड बॉल्स, दैट इज बेसन के लड्डू। तो वो इनका सबसे फेवरेट डिश है क्योंकि वो हमेशा खेलते वक्त या चलते फिरते वक्त वृंदावन में उसे खाते थे और अपने मित्रों के साथ उसे शेयर करते थे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने बेसन के लड्डू बनाना। तो सबसे पहले हम पैन में घी लेंगे, जैसे कि घी से हमें बड़ी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मिलती है। तो ये लड्डू में तीनों चीजें हैं, घी, प्रोटीन के लिए बेसन और एंड में शुगर, विच विल गिव लोड्स ऑफ एनर्जी। घी गर्म होने देंगे थोड़ा। हम इसमें डालेंगे 2 कप बेसन, डालते वक्त थोड़ा इसे मिक्स कर लेंगे ताकि इससे गोटले ना हो। बेसन का लड्डू के इंग्रेडिएंट्स तो इतने कम होते हैं, बट एक्चुअली इसका सबसे मेन जॉब है इसको हिलाते रहना, नहीं तो ये जल सकता है। तो धीमी आंच पे हिलाने से जो भूनने की खुशबू आती है वो आपको बहुत आनंद देगी ये बनाने में। जैसे कि बेसन भून रहा है और मुझे इसकी खुशबू आ रही है, मुझे कृष्णा जी के जो दो मित्र मधुमंगल जी की याद आ गई कि वो जब भी आते थे तो यशोदा जी उन्हें अपने पास से बेसन का लड्डू खिलाती थी और वो खासकर यही खाने के लिए ज़्यादातर घर पे आते थे वृंदावन में। अभी भी जब हम मंदिर में है ना, एक डब्बे में कृष्णा जी के लिए लड्डू हमेशा रेडी रखते हैं, लड्डू मठरी, ताकि उनको बीच में स्नैकिंग के लिए जब भी मन हो तो वो खा लेते हैं। इसका ये भाव है, खाते तो वो ज़रूर है ही, लेकिन ये हमेशा हम रिप्लेस करते हैं एवरी डे। इसे बोलते हैं बंटा, इनका छोटा सा एक टिफिन होता है, वो बहुत क्यूट सा एक लड्डू होता है उसके अंदर। मैं आज मीडियम साइज़ उनके लिए ही लड्डू बनाने जा रही हूँ। ये अभी थोड़ा गोल्डनिश हो गया है, इसे थोड़ा और भूनेंगे ब्राउन करने के लिए। एक्चुअली इन लड्डुओं को हम एनर्जी बॉम्ब कह सकते हैं, फॉर दैट मैटर्स बिकॉज इट हैज़ कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स गुड एनर्जी सोर्स थ्रू बेसन एंड शुगर कंटेंट, और साथ में घी के साथ अंदर बहुत एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। तो छोटे छोटे बच्चे जब शुरुआत में क्या देना है उनको, तो हम बेसन के लड्डू से उनके मुंह में स्टार्ट कर सकते हैं 6 महीने के आगे जब उनको खिलाना है। वी कैन ऑब्वियसली इंक्लूड बेबी डाइट में बेसन का लड्डू इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। भुनने के बाद जब पूरी तरह से जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें शक्कर डालेंगे, गरम गरम में शक्कर नहीं डालना है नहीं तो वो कड़क हो जाते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा इलायची पाउडर डाल सकती हूँ, 1 चम्मच इलायची पाउडर और अभी ये कटे हुए नट्स, इसमें बादाम है और काजू है। तो ये जब ये अभी एंड में जब रोस्ट हो रहे हैं तो वो भी साथ में रोस्ट हो जाएंगे। अगर आपको नट्स पसंद नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं है कि नट्स डालना ही है, पर उसकी गुडनेस इंक्रीज हो जाती है, उसमें एलमंड्स के तत्व आ जाते हैं, कैजू के तत्व आ जाते हैं। एकदम पाउडर फॉर्म में डालेंगे तो वो मुंह में भी नहीं आएंगे, तो आपको और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप देख रहे हैं हमारा बेसन अच्छे से भुन गया है और एक बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इसको, तो हम इसे ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। ठंडा होता है आप कुछ और कर सकते हैं। तो अपना बेसन अभी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर जितना।
अब इसमें पिसी हुई शक्कर डालेंगे, और इसे हाथ से अच्छे से मल लेंगे। ये मलते हुए आप उसे धीरे धीरे शेप दे सकते हैं। जब ये सारे मिक्स हो जाए तब शक्कर का प्रमाण आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं। तो मैंने इसमें 2 कप बेसन में 1 कप शक्कर लिया। परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी। अब हम बॉल्स बना सकेंगे। इस तरह से लड्डू बनेंगे सारे, और इस पे एक दाम लगाते जाएंगे। अच्छे से बॉल के शेप में, और उस पे तो हमारे सारे एनर्जी बॉम्ब्स तैयार हो गए हैं, और मैं इसकी प्लेटिंग करने जा रही हूँ। तो आप देखते हैं कैसे करना है। पहले मैंने एक ट्रे ले ली है वाइट कलर की, और इसमें हम एक पिरामिड जैसा बनाएंगे। जब आप बोर्ड लगाएं तो इस तरह से लगाएं ताकि वो अच्छा और प्रेजेंटेबल लगे। तो अब हमारी प्लेटिंग तैयार है। आइए हम इसे कृष्णा का भोग लगाते हैं तुलसी के पत्ते के साथ। तो आइए इसका भोग लगाते हैं। हरे कृष्णा। बेसन का लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए घी 1/2 कप, बेसन 2 कप, इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स 1/4 कप, पिसी हुई शक्कर 1 कप। बेसन का लड्डू बनाने के लिए एक पैन में घी गरम करें, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालें और लगातार हिलाते रहें ताकि इसमें ढेला ना पड़े। इसे भूनते रहें जब तक इसमें से खुशबू ना आने लगे। अब इसमें इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स डालें और सुनहरा रंग आने तक लगातार मिलाते रहें। अब बनाए हुए मिश्रण को एक बॉल में निकाल ले और इसमें पिसी हुई शक्कर डालकर हाथों की सहायता से मिक्स कर ले। अब मिश्रण का छोटा सा हिस्सा लेकर उसे लड्डू का आकार दे। हमारे बेसन के लड्डू सर्व करने के लिए तैयार हैं।